नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ए टू जेड स्पीड न्यूज में। दोस्तों, टीवी के चर्चित रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति के 12वें सीजन को अपनी दूसरी करोड़पति मिल गई है। यह करोड़पति है मोहिता शर्मा। मोहिता पेशे से एक आईपीएस ऑफिसर है। उनकी तैनाती इस समय जम्मू और कश्मीर में है। उन्होंने शादी भी एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर रुशल गर्ग से की है। 1 करोड़ तक के सवाल का जवाब मोहिता बिना किसी झिझक के दे चुकी थी, लेकिन 7 करोड़ का जैकपॉट उनके हाथ नहीं लगा। टीवी पर केबीसी को चलते हुए 20 साल हो गए हैं, लेकिन मोहिता ने कभी इस शो पर आने का विचार नहीं किया। अमर उजाला को मोहिता ने बताया, मेरे पति रुशल गर्ग इस शो में आने के लिए पिछले 20 साल से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका मौका अभी नहीं लगा। मैंने इस बार उनके ही कहने पर सोनी लिव एप्लीकेशन पर जाकर रजिस्ट्रेशन किया और पहले ही बार में मुझे इस शो में आने का मौका मिल गया। मोहिता के इस दौड़ में बाजी मारने से उनके पति बिल्कुल निराश नहीं है। मोहिता ने बताया, इस शो में मेरे आने से मेरे पति बहुत खुश है। उन्हें इस चीज़ पर गर्व है कि जो काम वह पिछले 20 साल में नहीं कर पाए वह मैंने पहले ही साल में कर दिया। अमिताभ बच्चन की मेजबानी में चलने वाली रियलिटी शो केबीसी में मोहिता को करोड़पति तो बना दिया, लेकिन अब तक उन्होंने यह नहीं सोचा कि आखिर वह इतने पैसों का क्या करने वाली है। मोहिता ने खुशी जाहिर करते हुए बताया, अब मैं करोड़पति तो बन गई हूँ, लेकिन इसको खर्च करने के बारे में अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं है। पूरा परिवार मिलकर जो भी फैसला लेगा इन पैसों का वही होगा। मेरे परिवार में मेरे माता पिता जो दिल्ली में रहते हैं और मेरे सास ससुर और देवर मोहाली में रहते हैं। मोहिता का भरा परिवार है, सबकी सहमति से वह इस पैसों का उपयोग करने का फैसला लेंगे। फिलहाल तो मोहिता के करोड़पति बनने से उनका पूरा परिवार बहुत खुश है। मोहिता ने बताया, मेरी शादी को सिर्फ 1 ही साल बीता है। मेरे पति ने मुझे बताया कि वह जब से केबीसी शुरू हुआ है तब से ही इस शो में आने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका मौका कभी लगा ही नहीं। मैंने पहली बार में यह कर दिखाया। इस समय सभी लोग बहुत खुश है और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।